So basically, see, we all are here simply to get ourselves treatment. Now, a lot of us does not have an understanding. हम लोगों को ये insight नहीं होती है और हम लोगों को बार बार ये feeling आती है कि नहीं, मुझे तो इस इलाज की जरूरत नहीं है, मैं खुद manage कर सकता हूँ. And हम उस time में या तो हम family को blame कर रहे होते हैं, doctors को blame कर रहे होते हैं. But actually problem किसको है? Because देखो, इंडिया में या दुनिया में कहीं भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल आना कोई इजी चीज़ नहीं है. फैमिली के लिए बड़ा ही ट्रॉमेटिक होता है, सब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और बहुत ही लास्ट अल्टरनेटिव की तरह से यहाँ पे लाते हैं. सो देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजन विच मे बी वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली. नाउ डेफिनेटली हमारे मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं और वो फीलिंग्स बार बार हमें कहती हैं कि नहीं, हमारी फैमिली शायद हमारे खिलाफ है या डॉक्टर्स हमारी फैमिली को मिसगाइड करके हमें यहाँ पे रख रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड. हम लोग जिस मेंटल स्टेट में होते हैं शायद वो जस्टिफाइड भी है, मगर उससे कोई आउटकम नहीं आ रहा. वी आर नॉट एबल टू गेन एनीथिंग. Rather we keep blaming others than working on ourselves. देखो, हम सब लोग यहाँ पे आके मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं? हम सब लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, चीजों को समझ के. एंड द डिफिकल्टी इज कि शायद हमारा माइंड हमें बार बार पुश कर रहा है कि हम उन सब चीजों को सीरियसली ना लें. उसकी जगह हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें डी फोकस कर दे रहा है कि आपको देखना सामने है, गाड़ी चला रहे हो और आप देख रहे हो इधर साइड में. आपकी लाइफ ऑफ ट्रैक चल रही है, आप अपनी लाइफ की गाड़ी को तो ठीक से चला नहीं पा रहे हो और उसके लिए ब्लेम किसको कर रहे हो? दूसरों को कर रहे हो. सो दैट डज नॉट लुक रियली ए लॉजिकल थिंग. मुझे लगता है कि ये सोच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. नाउ द अदर थॉट विच कम कि आपके यहां रहने से क्या फैमिली को बड़ा बेनिफिट होने वाला है? एंड ये भी बड़ा एक अजीब सा थॉट मन में रहता है कि वो लोग तो मजे कर रहे हैं, वो लोग तो चाहते हैं हम यहां बैठे रहें, विच अगेन कॉजेज लॉट ऑफ पेन. एंड फैमिली बेचारी ये सोचती है कि यार हम लोग इतने परेशान हैं, इतनी मेहनत करके, अपना सब टाइम लगा के इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाइल ही इज ओनली ब्लेमिंग अस फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स. सो शुरू में हम लोग कहते हैं भाई चुप रहो, सुन लो, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर हमें पाथ ऑफ रिकवरी में जाना है और अपने को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है तो मुझे लगता है बदलना तो हमें पड़ेगा ही. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो तभी संभव है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करनी चालू करेंगे. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर आर एगनी एंड पेन. रादर दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम आर एक्शन. वो लोग भी हमारी वजह से ही परेशान हैं जो उन्हें यहां तक लाना पड़ा. सो दीज आर माई थॉट्स एंड आई एम ओपन फॉर द डिस्कशन. वट एवर योर थॉट्स आर, प्लीज थिंक अबाउट इट. वट आर द रीजन्स वाई योर फैमिली गॉट यू हियर एंड कहां कहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, क्यों ऐसा हुआ कि हम अपनी लाइफ को बाहर मैनेज नहीं कर पाए. सो लेट्स लिसन टू योर पॉइंट. जो मानसिक बीमारियां हैं, हम लोग वी बिलीव इन समथिंग व्हाट वी सी. आर बिलीव कहां से आ रहा है? जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं. लेट्स से आई हैव शेयर्ड दिस एग्जाम्पल मेनी टाइम बट इट्स वर्थ वाइल टू लिसन इट अगेन. सो मैं MBBS करके साइकियाट्री में अपनी रेजिडेंसी कर रहा था और मैंने एक
पेशेंट को देखना चालू किया। उस टाइम में ये होता था कि हम लोग साइकेट्रिस्ट के जूनियर की तरह से काम करते थे और कोई भी पेशेंट आता था तो उसकी हिस्ट्री लिखते थे। अब मैं एक पेशेंट की हिस्ट्री लिख रहा हूं, कुछ फटे आल रिक्शा पुलर है और वो ये कह रहा है कि मुझे तो लोग मारना चाहते हैं। अब उसके साथ में तीन चार लोग आए, वो उसको कह रहे हैं भाई तुझे कौन मारेगा, क्यों मारेंगे, ये तेरी फीलिंग है, ये तो तुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट वो बेचारा बहुत ही डरा हुआ, घबराया हुआ, एकदम उसकी हालत खराब थी और उसको सही में ये फीलिंग आ रही थी कि कोई जना उसको मारना चाहता है। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम तो एक अपने ब्रेन के आगे पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा ब्रेन हमें जो भी सोचने पे मजबूर करेगा हम तो वही बिलीव करेंगे। लेट्स से मैंने ये शर्ट व्हाइट कलर की है मगर आपका ब्रेन ये मैसेज दे रहा है कि ये तो पीले कलर की है, तो आप क्या बोलोगे, आपने पीली शर्ट पहनी है? अगर मैंने कहा नहीं मैंने तो व्हाइट पहनी है, मैंने पीली नहीं पहनी है, तो आप कहोगे नहीं भाई पीली है ये तो। क्यों ऐसा नहीं है, आप गलत हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे मैसेजेस दे रहा है। अब लॉट ऑफ द टाइम हमारा ब्रेन हमें इस तरह के मैसेजेस देने लगता है जिनमें हम बिलीव करते हैं और हमें वही मैसेजेस सही लगने लगते हैं। ना हम तो उनमें बिलीव करेंगे, और हमारे घर वाले रियलाइज करते हैं, हमें समझाते हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो ये सही नहीं है, ये तो गलत है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये बात तो नहीं है, ये तुम्हारी फीलिंग गलत है, और ऐसे करके हमारी फैमिली हमें एक्सप्लेन करती है। बट हम तो वही बोलेंगे ना जो हमें लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम में से किसी को यहाँ पे लग रहा है कि मुझे तो पनिशमेंट के तौर पे यहाँ रखा जा रहा है, वाइल आपकी फैमिली तो ये चाहती कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सको। आपकी फैमिली आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखती, अगर दुश्मनी रखती तो सड़क पे छोड़ देती। सो इफ दे आर गेटिंग यू ट्रीटेड दैट मीन्स दे हैव अ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू, दे केयर फॉर यू। सो समवेयर हमारी फीलिंग्स के कॉन्ट्रेरी हमारा ब्रेन अगर मैसेज दे रहा है तो हम तो उसको बिलीव करेंगे ना। लेट्स से आपका ब्रेन ये मैसेज दे रहा है ये पीला है, या उस रिक्शा पुलर का ब्रेन ये मैसेज दे रहा है कि लोग बाग मुझे मार देंगे, तो चाहे सच हो या झूठ आप तो वही कहोगे ना कि लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं। लेट्स से बाकी लोग महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, विल इट करेक्ट योर इमेजिनेशन? No, you will keep arguing that what you are saying is wrong, you are not understanding my point of view, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, समझदार हूं। So there is a rule in all the books known as MacNaughton's rule. क्या MacNaughton's rule? Now this rule is written on the behalf of MacNaughton. So ये UK Prime Minister का first secretary होता था, जो उसका PS था उसका secretary होता था, and उसको ये feeling आने लगी कि Prime Minister जो है UK का वो मुझे मार डालेगा, और अपने को बचाने के लिए he attacked on Prime Minister and in that process जो उसका PS था first secretary उसका डेथ हो गया और इसको अरेस्ट कर लिया गया कि तुमने प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करना चाहा। जब बाद में कोर्ट हुआ और हियरिंग हुई और उसकी सब प्ली को सुना गया तो ये रियलाइज किया गया कि ये तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए अटैक कर रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ ए फीलिंग दैट ही इज ट्राइंग टू सेव हिज ओन लाइफ एंड फॉर विच ही अटैक, एंड उसको इसके लिए कन्विक्ट नहीं किया गया, रिलीज कर दिया गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया गया।
नाउ इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि कोई भी क्राइम के पीछे क्या इंटेंट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्राइम. रिपीटेडली इफ यू सी द मूवी, सी ऑल दोज थिंग, दे विल ओनली कीप टॉकिंग द इंटेंट बिहाइंड द क्राइम. एंड आई वुड से इट इज वर्थ वाइल टू थिंक अबाउट इट कि क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या कारण हैं, कहाँ पे गड़बड़ी है कि हम लोग अपनी फैमिली की फीलिंग को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं. और देर इज समथिंग रॉन्ग एंड इट्स कॉमन दैट लिटिल चेंज इन आर न्यूरो ट्रांसमीटर कैन गिव अस ए फॉल्स फीलिंग. बिकॉज आप तो वही बोल रहे हो जो आपका ब्रेन कह रहा है. लेट्स से आपका ब्रेन प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहा है तो आप तो गलत चीज बोलोगे, अपने हिसाब से सही बोल रहे हो, मगर आपका ब्रेन क्या कह रहा है. नाउ दैट्स हाउ द लाइफ इज, लॉट ऑफ आर प्रॉब्लम आर सच. अब जैसे हम में से कुछ लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या नशा करते हैं, उनको यही फीलिंग होती है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ है, मुझे करना है तो मैं तो करूंगा, Why should I stop? It's my life. I have a right to do it. And again वो इस चीज को believe करते हैं कि बाहर का कोई भी जना मुझे control करने का क्या right रखता है. While the family members feel कि तुम अपनी life को अगर संभाल नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें मदद की जरूरत है. So let's see what is the controversy. The controversy is we believe that we don't need help, rather the family or doctors are forcing us to take help. While the reality might be that we are not able to understand and we need help and we are going to be ultimately benefited by the help, then the family is going to be benefited. So, इस चीज को डिटेल में सोचने की बहुत जरूरत है. देर इज ए नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, व्हाई वी नीड हेल्प एंड हाउ वी कैन बी हेल्प. जब तक हम इस चीज को अच्छे से नहीं सोचेंगे, लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज. इट्स हाई टाइम वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर रिकवरी एंड वर्क ऑन आवर सेल्फ. जब तक हम वो वर्क नहीं करेंगे, लाइफ बेटर नहीं होगी.